एवरीवन, तो अभी जो है इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है लाइव स्टॉक यूनिट को हमने कवर किया, जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। तो अभी हम आ पहुंचे हैं सेंचुरी यूनिवर्सिटी के एपिकल्चर यूनिट में, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है मधुमक्खी पालन जो है किया जाता है, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब चीज़ों को जानने के लिए जो है एपिकल्चर के एक्सपर्ट जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम अभी उनसे जानेंगे और वो उनसे पूछेंगे कि कैसे जो इन क्या क्या बातों को हमें मधुमक्खी पालन करने के समय पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं दीपेन सर जी, तो सर वेलकम, और जो कि सेंचुरी यूनिवर्सिटी में जो ये जो एपिकल्चर डिपार्टमेंट में ये बच्चों को पढ़ाते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सर वेलकम। और तो सर आप बताइए कि क्या जो है एपिकल्चर क्या है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें मधुमक्खी पालन को करने के लिए। थैंक यू मैम। तो देखिए, पहले हम जानेंगे कि ये जो एपिकल्चर है, जो कि हिंदी में हम बोलते हैं मधुमक्खी का पालन, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम ये जो मधुमक्खियाँ होते हैं उनका कुछ कुछ स्पेसिस होता है, कुछ 4-5 स्पेसिस हैं, उनमें से हम कुछ कुछ स्पेसिस को लाते हैं, जैसे कि जो कि टाइगर बीस होते हैं उनको नहीं, लेकिन हमारा जो सप्तफणी है और यूरोपियन है उनको हम इसी बॉक्स के थ्रू उन्हें डोमेस्टिकेट करके इसमें से हम हनी निकालते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक अच्छा सा प्लेस ले जाओ, इसी तरह थोड़ा सेड रहेगा उनको भी अच्छा होगा, उसके बाद एक प्रॉपर स्पेसिस को इसमें रखा जाता है मधुमक्खी को, उसके साथ उनका रानी होता है, वर्कर होता है, ड्रोन होता है। उसमें से क्या होता है, ये जो वर्कर भी है आप देख सकते हैं जैसे वो निकल रहे हैं, वो जाके लाएंगे नेक्टर, जो मकरंद होता है या फिर पोलन होता है वो लेके आएंगे, इसमें रखेंगे, और वो जो मकरंद होता है वो उसको हनी करके वो इधर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें से वो हनी जो महू होता है उसको निकाल के हम बेच सकते हैं। तो सर जैसे इसको ये जो आपने सेटअप पूरा बनाया है मधुमक्खी पालन का, तो इसको क्या क्या किस तरीके से हम इसको, अगर कोई फार्मर जो है मधुमक्खी पालन घर में करना चाहते हैं, तो ये कैसे सेटअप तैयार करें जो कम लागत में उनको, मतलब इस तरीके से सेटअप तैयार करके अपना मधुमक्खी पालन शुरू करें। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, मधुमक्खी जो होता है उनका एक मैथमेटिक्स होता है। अगर इस वर्ष हमारे पास एक ही कॉलोनी है जो दल कहते हैं उसे हम, अगर एक है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर हम दो कर सकते हैं। तो पहली बात है कि हम वो हनी बीस को कैसे लाए, मधुमक्खियां कैसे लाए, तो ये जो एक दो हो गया उसको हम बेच सकते हैं। तो वो जो है फार्मर है वो क्या करेंगे, वो मधुमक्खियों को लाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे इस तरह का स्पेसिफाइड बॉक्स है, ISI A टाइप बॉक्स है, तो इसी बॉक्स के अंदर क्या होगा, वो मधुमक्खियों को रखेंगे और खरीदेंगे। उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टैंड होता है उसको इंस्टॉलमेंट अच्छे होने के लिए, उसके बाद ये बॉटम बोर्ड होता है, उसके ऊपर ये ब्रूड चैम्बर होता है, उसके बाद सुपर चैम्बर होता है, टॉप कवर होता है, ये उसका टोटल एसेसरीज है। अगर हम बोलते हैं प्राइस के बारे में तो देखेंगे, पहले जो मधुमक्खियों का कॉलोनी होता है उसका रेट होता है कुछ 900 to 1000, फिर ये स्टैंड लग जाता है कुछ 500, और ये जो होल बॉक्स है उसका प्राइस आता है करीब 2600। तो इसी प्रकार 3500 to 4000 उसका कॉस्ट हो जाता है एक ईयर में, बोलिए एक बॉक्स के लिए। लेकिन क्या होगा, हम इसमें से कुछ मिनिमम इन द फर्स्ट ईयर विथ जस्ट बेसिक नॉलेज व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से करीब 2 to 3 kg ला सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, महू पा सकते हैं इसमें से। तो उससे क्या होगा, ये जो महू है ये टोटली प्योर है। अगर हमारे कस्टमर ये टोटली जान पाएंगे कि ये कैसा प्योर है, और ये जो है अगर वो जान पाएंगे कि इसका मतलब अंतर क्या है, ये जो बाहर जो मिल रहा है और ये जो हमारा महू है इसका अंतर क्या, अगर वो जान पाएंगे तो डेफिनेटली इसको 800 to 900 रुपीस में हम उसको बेच भी सकते हैं, तो जरूर हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट ला पाएंगे, और ये बॉक्स चलेगा आपको 15 साल तक। तो डेफिनेटली 15 साल तक टिकेगा। और क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास इस बार हो गया एक दिन, हम इसको 2 बनाएंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, बढ़ता जाए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जस्ट ये है कि उसका अच्छा फ्लावरिंग चाहिए चारों तरफ। हाँ डेफिनेटली मैडम, देखेंगे जी जरूर। आप वो ड्रिंक कर सकते हैं, तो यहाँ
पे अभी देख सकते हैं बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस हैं जहाँ पे मधुमक्खी पालन को जो है किया जाता है। और यहाँ पे जो है एपिकल्चर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें जो है वो सर से सीख रहे हैं कि कैसे मधुमक्खी पालन को और आगे जनरेशन टू जनरेशन हम उनको पास करके उनको चीज़ों को गाइड कर सकते हैं, हम उसको सिखा सकते हैं। तो अभी हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है मधुमक्खियों को इसमें रखा जाता है, कैसे किया जाता है। तो अभी हम पूरी डिटेल जो हम इसमें देखेंगे तुम लोग देखने में रहते हैं। तो अभी आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे बॉक्सेस हैं जिसमें भी मधुमक्खी को यहाँ पे वो करके रखा गया है मधुमक्खी पालन के लिए। तो यहाँ पे अभी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने वाले हैं, उससे पहले जो हम देखते हैं क्या मतलब शुरू स्टार्टिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों को जो है रखने की ज़रूरत होती है, तो अभी हम देखेंगे और जानेंगे, जो कि आपके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक किट जो होती है बेसिकली, क्योंकि मधुमक्खी जो होते हैं बहुत तरीके से थोड़े अटैक कर देते हैं उसके ऊपर में, तो उस हिसाब से उसको सेफ रखने के लिए उसको हमें किट को प्रॉपर पहनना पड़ता है, क्योंकि थोड़े एग्रेसिव होते हैं बीज जो होते हैं ना सर, तो वो काफ़ी मतलब अटैक कर देता है चीज़ों को लेकर। तो उस हिसाब से हमें किट पहनने की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो हमें किट की। तो सर अगर किट जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है मतलब मधुमक्खी पालन के लिए? देखिए मैम, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको ये किट वेल सब कुछ चाहिए, लेकिन जैसे कि इस टाइम हम देख सकते हैं ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, तो क्या होता है उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आता है, उसी टाइम को हमें डेफिनेटली किट चाहिए। अगर थोड़ा पॉपुलेशन कम है तो वी कैन इजीली विदाउट एनी वेल विदाउट एनी ग्लोव्स वी कैन इजीली हैंडल द बीस, बट वो मतलब अटैक नहीं करता। नहीं, वो मतलब हमें उनको हैंडलिंग करना है, ये क्या होना है कि हम उनको डोमेस्टिक, जस्ट लाइक वी आर डोमेस्टिकेटिंग ए डॉग एट आवर होम, जस्ट लाइक दैट वी हैव टू प्ले विद द हनीबीज। बट उनका अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तब क्या होता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और हमारी प्रोटेक्शन के लिए पहनना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये सब है हमारा ALP मतलब एपिकल्चर स्टूडेंट है, जो उनका एक फोर्थ ईयर में कोर्स रहता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, तो इसके अंदर ये सब बच्चे काम कर रहते हैं। और उसके अलावा जस्ट नॉट ओनली द बॉक्स, दे आर ऑल्सो मैनेजिंग द एपीआरी मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स कहाँ से आएगा, कहाँ से मधुमक्खी को मतलब बेनिफिट होगा, वो कैसे ज्यादा हनी प्रोड्यूस करेंगे, वो सब में भी वो इन्वॉल्व रहते हैं। दिस इज द टॉप कवर, ये टॉप कवर बोलते हैं इसको, ये है इनर कवर। इसको बोलते हैं हनी फ्रेम और सुपर फ्रेम, इसमें हनी स्टोर करते हैं हनी बीज। देख सकते हैं सुपर फ्रेम, हनी है क्या, थोड़ा रोटेट करके देखो। तो ये सर इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या है और किस तरीके से मतलब ये जो ऐसे जो सेल्स इसमें बने हुए हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये जो होता है जो मधुमक्खियां उनका एक वैक्स ग्लैंड होता है जी। वो वैक्स ग्लैंड से क्या होता है वो वैक्स सीक्रेट करते हैं, ये जो है नेचुरल कॉम है वैक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारा हेक्सागोनल सेल्स है, ये सब हेक्सागोनल सेल्स है, और इसके अंदर देखिए हनी भी जा रहे हैं, जा रहे हैं मतलब क्या करें वो मतलब वोमिट कर रहे हैं, उनका वोमिट ही हमारा हनी होता है, ठीक है। तो इसमें वो क्या करेंगे, वोमिट करेंगे वो जो हमारा हनी है। नॉट ओनली दैट क्या होता है, हम देखते हैं कभी कभी वो जो हनी होता है उसमें बबल्स आ जाते हैं जी। तो वो क्या है मतलब टोटली प्यूरिफाइड हनी नहीं है, इसमें क्या करेंगे वो देख सकते हैं उनका विंग वो बीट करेंगे, ऐसे करने से क्या होगा वो जो हनी है उसका भी मॉइस्चर लेवल घट जाएगा, वो फिर वो कम्प्लीटली मेच्योर हनी होगा। उसके बाद हम वो सील सबको निकाल के, अभी नहीं हुआ है थोड़ा टाइम बाकी है, तो उसको निकाल के हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा नहीं कि ये डैमेज हो जाएगा, इसको हम फिर से इसी में डाल देंगे। अच्छा, फिर वो रीयूज कर सकते हैं, टोटली रिसाइकल जो भी है चलेगा कंटिन्यूस।
अगर सोचे ये डैमेज थोड़ा सा हो गया, काला हो गया, बहुत पुराना हो गया, इससे हम वैक्स निकाल सकते हैं जो कि नेचुरल वैक्स है, इन कैंडल, इन कॉस्मेटिक्स वी कैन यूज दोस वैक्स आल्सो, वो भी हम निकालते हैं। तो ये मतलब एक चीजों से हम कई तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी मतलब फ़ायदे का मतलब कह सकते हैं वर्क है, अगर कोई भी इसको शुरू करना चाहता है। बट ये इसमें सर प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है, स्किल होना चाहिए, नहीं तो स्टिंग नहीं हो सकता। बस वही एक कारण है कि स्टिंग का प्रॉब्लम है, वो डरते हैं, लेकिन बाकी सब उसका प्रॉफिट ही है, बेनिफिट ही है। जी। इतना ही नहीं, और एक भी है एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम ये जो होता है पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, अगर पोलिनेशन अच्छे से होगा तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, वो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो हम इससे क्या क्या ला सकते हैं, देखिए एक तो हनी है, एक तो हमने और एक अभी जान लिया कि वैक्स है, और एक ये जो कॉलोन इटसेल्फ उसको भी हम बेच सकते हैं अदर बी फार्मर, तो डेफिनेटली हम ज्यादा इनकम करेंगे। जैसे इसमें पूरा ड्यूरेशन कितना लगभग, जैसे अगर हम जीरो से स्टार्ट करें इस प्रोसेस को, तो अब पूरा एंड तक अगर ले जाएं इसको, तो कितना वक्त लगता है लगभग? देखिए मैडम ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी जो फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होते हैं उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट ज्यादा हुआ, अगर सोचे चारों तरफ अभी सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, तो क्या होगा विद इन वन मंथ ऑल्सो वी कैन गेट 1 kg, 2 kg, मोस्टली 1.5 kg आप धरिए, तो हम इतना ला सकते हैं 1 to 2 months में, तो कंप्लीट ईयर है अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। और इसका और एक बेनिफिट है, उसका इनपुट नहीं होता। देखिए और कोई भी आप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप देखिए, डेली उनका इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो सकता, प्लस प्लांट्स है, चलो हनी आ गया। तो वही है कि एक सेटअप रखना और जो है ये इस तरीके से, तो हमें चीजों को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मतलब हमें ध्यान में रखने की जरूरत, अगर हम इसका कोई मधुमक्खी पालन अगर करने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो क्या क्या बातों को सर, जो प्रिकॉशंस हम कह सकते हैं उसको रखने की जरूरत है? हम वो अभी दिखाएंगे। देखिए और एक बात रह गई है, एक होता है कि आप लोग देखे होंगे कि जो हनी निकालते हैं मतलब ट्राइबल लोग फ्रॉम द फील्ड, वो क्या करते हैं जो भी कुंभ होता है ऊपर जगह में उसको निकाल देते हैं, उसको पूरा स्क्वीज कर देते हैं, उससे हनी निकालते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, जो भी हनी इधर था हमने निकाला, लेकिन ये नहीं निकाला, क्योंकि ये है हनी बीस के लिए, वी आर नॉट हंटिंग दी हनी, हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम जो भी सरप्लस उनका है, जो ज्यादा हनी निकाल रहे हैं वो दे रहे हैं, उसको हम ले रहे हैं, लेकिन हम उसको डोमेस्टिकेटिंग कर रहे हैं। वो एक मतलब प्राइमरी थिंग है कि हनी बीस को हमें भी फूड देना होगा, तभी वो डोमेस्टिकेशन कहलाएगा, साइंटिफिक बी कीपिंग कहलाएगा। अगर हम इससे भी ले गए वो तो हनी हंटिंग हो गया, हमें उसको भी पालना है, जस्ट लाइक अवर पेट, ऐसे ही ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है, ये निकालो थोड़ा सा, देखिए कैसे वो निकाल रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, होनी भी पूरा एक्सपोज हो गए, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कभी कभी एक्सीडेंटली दे में स्टिंग स्टिंग कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे वो क्लोथ को डाला जाता है ऊपर, अच्छा। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्रिपेयर स्मोकर, और अगर हम कहें कि हाँ हनी बीस बॉक्स तो हमने रखे, काम क्या है अभी वो भी देखना पड़ेगा। देखिए क्या क्या होता है, ये थोड़ा डार्कन है तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जैसे हनी है स्वीट है, कभी कभी उसमें से आंट ऊपर आ जाते हैं, अच्छा, जो हाँ आ जाते हैं और वो खा जाते हैं अंदर, नहीं तो कभी कभी फाइटिंग हो जाता है हनी बीस और आंट के बीच। तो यहाँ पे क्या, हमें थोड़ा मोबाइल क्लॉथ डालना पड़ेगा जो कि वो ऊपर नहीं आए, हाँ ये काम करना है। और एक मेजर काम क्या है, देखिए ये इसका है जो बॉटम बोर्ड होता है, ठीक है, तलीपटा हम बोल सकते हैं जी। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक नाम है कि कीड़ा है, और वो भी ये भी एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो भी और एक इंसेक्ट है वैक्स मॉथ, उसका नाम है वैक्स मॉथ। उसका मीनिंग क्या है, वो जो मॉथ होता है उसका जो मतलब लार्वा स्टेज होता है, इमेच्योर स्टेज होता है, वो क्या करता है, वैक्स है, कॉम्ब है, वो उसको जाके खा देता है। उसी को प्रिवेंट करने के लिए हमको इसे हर 10 दिन के अंतर में उसको हमेशा हमको क्लीन करते रहना है, साफ रखने की जरूरत है, ये बेसिक है। उसके बाद हम कुछ और चीज भी बहुत सारा चीज है, मतलब ऐसा है कि देखिए अगर आप लाइफ स्टॉक लीजिए या एनिमल लीजिए, कुछ भी लीजिए, हमें उनको स्टडी करना होगा। नहीं, हमारा डॉग अभी इस टाइम पे जा रहा है, वो कुछ काम मतलब जो भी उसका बायोलॉजी है उसको करने के लिए हम उसी टाइम में करना पड़ेगा। सिमिलरली देखिए अगर बहुत सारा फ्लावर है वो ज्यादा खा रहे हैं तो उनका पॉपुलेशन जरूर बढ़ेगा, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर चैम्बर को इसके ऊपर रखना पड़ेगा, उनको स्पेस दीजिए। अगर रेनी सीजन हो गया, कुछ काम नहीं है, तो फिर उसे निकाल दीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगा।
ये सब चीज करना पड़ेगा, मतलब सीजनल मैनेजमेंट होता है उस हिसाब से चीजों को मतलब ध्यान में रखना है। देखिए अगर बारिश का मौसम हो गया उस टाइम पे वो बाहर नहीं जा सकते, फ्लावर प्लांट भी नहीं होता, बस राइस होता है चारों तरफ, राइस वीट होता है, तो उसी टाइम क्या करेंगे अगेन उनको थोड़ा आर्टिफिशियल फूड देना पड़ता है, चीनी का सिरा हो या फिर हनी का सिरा हो वो थोड़ा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम महू में उसको मिला रहे हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, थोड़ा ज्यादा खाना दे रहे हैं, प्रोसेस मतलब वो कंटिन्यू रहे। हाँ हाँ, बस वही वन सीजन टू सीजन, उसके बाद नहीं देंगे, बस उसी टाइम में हम देंगे। तो देखिए वो एक स्मोकर होता है, उसे यूज करते हैं थोड़ा सा, मतलब हनीबीस को शांत करने के लिए उसे यूज किया जाता है। हाँ। और ये देने से हनीबीस थोड़ा नीचे चले जाएंगे, तो हमें हेल्पफुल होगा। प्रोसेस लोग मतलब अगर देखें नॉर्मल तो लोग इस्तेमाल करते हैं, धुआं कर देते, धुआं पूरा करते हैं, आग भी जला देते हैं। हाँ, तो हाँ। उसे जो है वो काफी मतलब हाँ, शांत हो जाते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं। ठीक है, उसे रख दो। अभी हम वो धुआं करके इसमें अभी देखेंगे क्या असर जो होता है मधुमक्खियों पे रहता है। हटा गया नहीं, थोड़ा सा ये कर लो, हो जाएगा ये स्ट्रांग एकदम। नहीं थोड़ा डिटैच करो इसे, और तुम एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो वैक्स अब आटा चल गया है। देखिए इसको ऐसे से ये करना पड़ता है जिसके हिसाब से वो जो मधुमक्खियां होता है वो नीचे चले जाए, नीचे चले जाते हैं। तो सर हम इसका मतलब ये धुएं का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल? देखिए जब भी हम उसको शुरू करते हैं, मतलब इंस्पेक्शन उसका शुरू करते हैं, इंस्पेक्शन तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल अभी ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्या होता है, देखिए अभी मतलब नहीं निकल रहा है क्योंकि अभी जो फ्लो ज्यादा है फ्लावर का, तो हाँ, इसलिए उनका वैक्स डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। तो अगर ये सब करेंगे तो क्या होता है, हनीबीस का हाँ हनीबीस का एक टेंडेंसी होता है, अगर उनको कोई अटैक करने आ रहा है तो उनको भागना होगा, तो इसलिए वो क्या करना, ज्यादा खाते हैं हम, तो उनका थोड़ा पेट फूल हो जाता है और थोड़ा लेजी होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, वो एक है। और एक बात है, वो अगर स्टिंग करेंगे तो देखिए अगर एक हनीबी आया स्टिंग करने के लिए तो वो उनका एब्डोमेन ऐसे रोटेट करेंगे पीछे का भाग, ऐसे स्टिंग करेंगे। लेकिन अगर उनका स्टोमक फुल हो गया तो वो रोटेट नहीं कर सकते और थोड़ा स्टिंग का कैपेसिटी कम होगा। थोड़ा सा हनी है वो सब दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक है लार्वा है, हाँ हम पीपा दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, इसको ये कर दो, मैंने भी इसको निकाल दिया, रोटेट करो, यू जस्ट यू कैन डू क्लोज दिस वन, देखिए अगर एक मधुमक्खी थोड़ा ऊपर आ, मतलब इधर देखिए अगर एक हनीबीस चला गया तो देखिए बाकी सब भी धीरे धीरे पूरा डिसिप्लिन वे में वो अंदर जाएंगे, एक 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 करके वो अंदर चले जाएंगे।
इधर आप देख सकते हैं ये जो है ये देखिए पोलन करेंगे उनके लेग में वो पोलन लेके आ रहे हैं ये जो है देखिए हाँ उनका वो जो पोलन है वो पोलन बाहर से ला रहे हैं ये सब उनका वर्कर होता है होता है ना सर मधुमक्खी की भी एक रानी होती है हाँ, हाँ, ये देखिए ये जो ये इसको जूम कीजिए उधर चला गया ये देखिए ये जो है ब्लैक एब्डोमेन वो है उनका ड्रोन जो मेल होता है बाकी जो है उनका ट्रांसवर्स मार्किंग है वो सब उनका वर्कर है और ये देखिए इसके लेग में कुछ है वो होता है पोलन वो पोलन लेके आ रहे हैं वर्कर्स बाकी सब काम करते हैं क्लीनिंग करते हैं वाक कुंभ तैयार करते हैं वो सब करते हैं और वो जो नेक्टर होता है उसे लाते हैं हनी प्रोड्यूस करते हैं बाकी जो ब्रूड होते हैं उनका इमेज उनको खाना खिलाते हैं सब कुछ करते हैं फाइटिंग भी वही करते हैं उनका ही स्टिंग होता है तो ड्रोन का काम क्या है वो बस मेटिंग करते हैं क्वीन के साथ उसके बाद क्या होता है क्वीन उसका जो थ्री ईयर का है ड्यूरेशन तीन वर्ष का होता है वो मतलब एक अंडा देगी उससे बाकी सब आए जैसे कि दो महीना होता है ड्रोन के लिए तीन महीना होता है वर्कर के लिए उतना है लेकिन अगर रानी का देखे तो वो तीन साल तक जाएगा लेकिन हम क्या करते हैं दो साल में उसको थोड़ा मारना पड़ता है क्योंकि तीन साल में वो थोड़ा कम अंडा देती है जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता पॉज कर दीजिए ये सब जरूरी नहीं है तो अभी जो है आप इसमें स्मोक अभी देखिए ताकि वो मधुमक्खियां जो है वो अंदर चले जाए और हम कुछ देख सकते हैं कि इसका अंडा कैसा होता है वो सब देखने के लिए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स नहीं है ऐसा आप देख सकते हो काउंटिंग को लेकर बहुत ज्यादा बॉक्सेस हैं जो डेमो के लिए आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ मधुमक्खी पालन जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है बट ये होता है कि बहुत लोगों को इसमें अधूरी जानकारी होती है तो हमें पता नहीं होता हम इसको कैसे बेहतर करें हम इस मधुमक्खी पालन को कैसे इनकम का जरिया बनाएं तो यहाँ हम अभी यही जान रहे हैं कि कैसे मधुमक्खी पालन को अपने काफ़ी कुछ जानना होगा कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन को और बेहतर कर सकते हैं क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है अगर कोई भी फार्मर है या कोई स्टूडेंट है कोई मधुमक्खी पालन के को शुरू करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं तरीके की सेटअप जो है आपको बनाने की जरूरत होती है ऐसा एक बॉक्स है और इसमें हमने कुछ चारकोल जैसा इसमें लगाया टार जैसे कि चींटी ना आए क्योंकि मिठास जो होती है वो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करती है तो इससे क्या होता है कि मधुमक्खियों में भी दिक्कत आ रही है इनमें थोड़ा फाइटिंग वगैरह भी होता है तो उससे दिक्कत आती है तो इस वजह से जो है ये बॉक्स को जो है काले रंग से पेंट किया जाता है ताकि जो है चींटी है या फिर एंट है ये ऊपर ना पहुंच पाए मधुमक्खी जो है काफ़ी सेफ तरीके से जो इनका पॉलिनेशन का काम होता है हनी प्रोड्यूस करने का वो हो सके वो भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं काफ़ी अभी स्प्रेइंग चल रही है मैडम थोड़ा जूम कीजिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे नहीं तो मैं कुछ फोटो आपको दे दूंगा यहाँ पे क्या है एक मतलब पूरा थोड़ा पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर क्या होता है एक पूरा थ्रेड शेप का एक छोटा सा अंडा रहता है इसके अंदर देखिए ये जो तीन है इसके अंदर एक थ्रेड शेप का पूरा स्मॉल जैसे राइस सीड होता है उससे भी छोटा वो क्या होता है उनका अंडा होता है दोनों है हा? तुम
है ना सर। देखिए मैडम मुझे मोबाइल दे दीजिए। उसमें हनी और वो उसमें वो दिख रहे हैं तो वो फोकस नहीं हो रहा है। अच्छा ये लाइट, तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, ये जो होता है ये देख सकते हैं पूरा सील हो गया है ये सब। तो ये सब क्या होता है ना, उसका जो सील हनी होता है उसको हम थोड़ा मतलब ये जो कवरिंग होता है उसको हम काट के इसमें से हम हनी निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं ये पूरा मतलब एक न्यू कॉम्ब है जिसमें से वो पूरा हनी रखेंगे और एग रखेंगे जिसमें से वर्कर आएंगे और हम उसे सुपरिंग के लिए भी ले सकते हैं जिससे कि हम हनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स भी हैं काफी, तो जो अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं तो मैं इनसे ही जानूंगी कि आप अभी कौन से ईयर में हैं। अभी फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर। फाइनल ईयर। तो मधुमक्खी पालन जो है अभी एपिकल्चर हम जिसको कहते हैं, तो आपने मतलब आपको कैसा क्या क्या चीजें आपने अभी तक यहाँ पे सीखी हैं और आगे आप इसको कैसे कैरी करोगे? देखिए हम तो अभी तक सीखे हैं जितना क्लीनिंग करना सबसे मेन चीज जो है, उसके बाद कॉलोनी डिविजन एक है मतलब एक बॉक्स के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो हम लोग क्या करते हैं उसको मतलब डिवाइड करके नया बॉक्स में डाल के डिवाइड कर देते हैं जो कॉलोनी है उसको। फिर करते हैं क्या, ब्रूट डाटा लेते हैं मतलब हर हफ्ते में एक बार आके एक जो ब्रूट चैम्बर होता है इसमें कितना पोलन है, कितना अंडा दे रही है, क्या नहीं कितना है, वो सब मतलब डाटा लिखते हैं हम लोग। फिर देखते हैं हम लोग फॉरेज डाटा एक होता है वो मतलब 5 मिनट एक बॉक्स के सामने खड़े होके कितना मधुमक्खी बाहर जाएगा वो लिखना पड़ता है, कितना नेक्टर और हनी नेक्टर और पोलन लेके अंदर आ रहा है वो हम नोट करते हैं। ये सब हुआ हमारा काम। और आगे आप इसको कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे, अभी तक कुछ सोचा नहीं इसके बारे में। तो मतलब काफी एक्सपीरियंस आप अभी ले रहे हो मधुमक्खी पालन को, अभी एक महीना हुआ मेरे को प्रैक्टिकली वर्क। तो आपको कितना लगता है थ्योरेटिकली कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल तो एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिकल का जितनी जो है वो पूरा ही प्रैक्टिकल है। इसमें थ्योरी है, थ्योरी पढ़ना पड़ता है लेकिन पूरा ही प्रैक्टिकल और स्किल बेसिस है। तो जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना हाथ साफ होगा इस चीज में। और काफी क्योंकि लोग इससे काफी थोड़ा लोगों को डर भी लगता है मधुमक्खी से, बट स्टिल अभी आपने काफी कॉन्फिडेंटली इसको पकड़ के आप जो डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं और काफी सर की गाइडेंस में आपने काफी चीजों को मतलब सीखा है और इसको आप अभी लेके चल जाके करियर में ले जाओगे। और एक बेनिफिट आपको बता दें, ये जो स्टिंग का होता है हम डरते हैं हाँ स्टिंग है वो सब ठीक है, पहले पहले क्या होता है अगर स्टिंग होता है तो थोड़ा पेन भी होता है मतलब एक दो दिन का थोड़ा पेन होता है, उसके बाद थोड़ा इचिंग रहता है वो सब ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्टिंग होगा। देखिए हम जब भी स्पीच देने जाते हैं स्टेज फियरनेस होता है, इसका मतलब नहीं कि नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इधर भी स्टिंग हो सकता है, आप जितना भी अच्छे से करो कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है जब आप हैबिचुएटेड हो जाते हो इतना ये नहीं होता है, मतलब वो जो उसका भी पॉइजन है वो भी हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा फिजियोलॉजी सिस्टम के साथ वो मिक्स हो जाता है। और एक बात क्या है अगर भी स्टिंग होता है एक है उसका इसका जो टॉक्सिन होता है स्टिंग का उसमें टॉक्सिन है उसे हम एपिटॉक्सिन बोलते हैं ठीक है।
और वो जो टॉक्सिन होता है उसे यूज करते हैं जो पेन जॉइंट या फिर रिमाटिज्म, वो सबके मेडिसिन में उसे यूज किया जाता है। तो ऐसा भी है, मतलब नेचुरल स्टिंग लेते हैं लोग, जैसे कि जॉइंट पेन होता है वहाँ पर लेने से क्या होता है उसी एरिया का थोड़ा पेन घट भी जाता है, वो क्योर भी चीज़ है। हाँ तो सर जैसे कि मतलब बस एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक स्टूडेंट या जो फार्मर हैं अगर मधुमक्खी पालन कुछ करने की सोच रहे हैं या कुछ उसमें आगे करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? पहली चीज तो ये है कि देखिए अगर आप एक मतलब सिटी एरिया में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं जहाँ पे मतलब प्लांटेशन फ्लावरिंग प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अभी रुक जाओ थोड़ा। लेकिन जो मतलब ऑलरेडी फार्मर्स हैं उनका चल रहा है मतलब राइस तो विद वो इतना नहीं है बस पोलन सोर्स है, लेकिन अगर आपका ऐसे मस्टर्ड चल रहा है या फिर कुछ ट्री का ऑर्चर्ड है फ्रूट्स का ऑर्चर्ड है वो सब मतलब जरूरी ले कि ये हनी बी बॉक्स उनका ये क्या होता है पार्ट टाइम होता है लगा दो वीकली बेसिस वो बटन बोर्ड को क्लीन करो बस उतना करो। मतलब मैं बोल रहा हूँ इवन इफ यू डोंट नो एनी अगर आपको कुछ पता भी नहीं है फिर भी अगर आपका एक बड़ा ऑर्चर्ड है 10 से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए बस रखिए उसको और हफ्ते में बस वो जो बॉटम बोर्ड है उसे पूरा यूज करिए, फेल फेल सब यूज करिए, स्मोकर यूज करिए और बस बॉटम बोर्ड को क्लीन करते जाइए, देखिएगा जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स आप लेते हैं मतलब कुछ ना करके भी आपको प्रोडक्शन जरूर मिलेगा, अगर थोड़ा सा आप ट्रेनिंग ले लिए कहीं पे तो फिर तो अच्छा है बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है जानकारी शेयर की है कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन में किन किन बातों का ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है और अगर आप मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो सर ने बहुत अच्छी एडवाइस भी दी है जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को शेयर किया, थैंक यू सो मच। तो अभी और भी अपकमिंग वीडियोस आपके लिए हम लेकर अभी आने वाले हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक को भी हम कवर करेंगे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में, तो बने रहिए कृषि जागरण के साथ। थैंक यू।